हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों में हम लोगों में बहुत से ऐसे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आंखों में काले घेरे हो जाते हैं, उससे आंखों में झुर्रियाँ जैसी पड़ जाती है, जैसे कि आंखों में से लगे कि आंखें साइड से झुलस गई है। फेस टाइट है पर आंखें साइड से झुलस गई है, आंखें काली हो गई है, मतलब आपका पूरा फेस गोरा रहेगा और आंखों के पास पूरा कालापन हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आती है और आप लोगों को बहुत सारा लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि मैं इन सब चीज़ों के लिए आज एक क्रीम लेके आई हूँ। इस क्रीम को आप यूज करेंगे तो आपको ये ऐसा नहीं है कि आपको इस क्रीम को नाइट में यूज करना है, आपको इस क्रीम को कभी भी आप इसे यूज कर सकते हैं, या आप यूँ कहें कि आपको इसे एनी टाइम यूज करना है। आप इस क्रीम को बना के एक कंटेनर में रख लेंगे, उसके बाद आप जब नहाएंगे उस टाइम, उसके बाद मॉर्निंग में फेस वॉश करेंगे, उसके बाद आप जब अपना चेहरा फेस वॉश करेंगे तो इस क्रीम को आप अप्लाई करेंगे, तो इसका कुछ ही दिन के उपयोग से आप देखेंगे कि आपके आँखों में जो सूजन होती है, आँखें आप बहुत से लोगों को देखेंगे कि यहाँ पे आई बॉल्स हो जाते हैं, फूल जाते हैं, उस प्रॉब्लम को भी ये ठीक करेगा। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस क्रीम को बनाना कैसे है। फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल ऑल पे कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और सबके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि किसी भी जरूरत हो उस तक पहुंच सके। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए हम लेंगे एक बॉल में, इस तरह का एक बॉल में, आप चाहे तो इसे आप चाहेंगे आप इसे मैं इसको आपको एक बॉल में बना के बता रही हूँ। आप इसे 15 दिन के अराउंड में, जैसे सर्दी का मौसम है तो आप 15 दिन के अराउंड में इसे बना लें और इसे आप एक कंटेनर में कंटेन करके रख लें। देखिए, इसमें 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल डाला है। उसके बाद इसे आपको क्या करना है, पहले अच्छे से फेंटना है। देखिए, इसे अच्छी तरह से 15 मिनट तक, इससे पहले आप इसे इतना फेंटेंगे, ये देखिए दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल ये क्रीम का तरह हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल एक क्रीम की तरह ये बन जाएगी। उसके बाद आपको इसको क्या करना है, उसके बाद आपको इसमें डालना है आलमंड ऑयल। आपको इसमें आलमंड ऑयल ही डालना है, आप इसमें जैतून का तेल नहीं डाल सकते। आपको इसके लिए रोगन बादाम ऑयल लेना है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं पर आपको आलमंड ऑयल ही लेना है। और आलमंड ऑयल कितना डालना है आपको, अगर आप 15 दिन का ये बना रहे हैं क्रीम तो आप 4 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल लेंगे, तो उसमें आपको 1 बड़े चम्मच ये लेना है आलमंड ऑयल। तो मैंने इसमें थोड़ा सा 4 बूंद मैंने 1 चम्मच डाला था, तो 4 बूंद मैंने इसमें आलमंड ऑयल डाला है। आप उसके बाद आप इसमें क्या डालेंगे, अपने आपको देखिए इसमें कैप्सूल डालना है विटामिन ई का, और जितना ज़्यादा आपका फेस में कालापन है आपको उस हिसाब से डालना है। अगर आपके आँखों के में ज़्यादा कालापन है, ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, तो आप 4 चम्मच जैसे एलोवेरा जेल लिए हैं तो आप इसमें 4 पूरा विटामिन ई का कैप्सूल लेंगे, यानी कि 4 चम्मच एलोवेरा जेल में 4 विटामिन ई का कैप्सूल। मैंने यहाँ 1 चम्मच लिया है तो मैं यहाँ पर 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालूंगी। बहुत ही ज़्यादा असरदार रेमेडी है, आप इसे एक बार घर में ज़रूर करें। इसमें पूरा 1 कैप्सूल मैंने इसमें पूरा पूरा डाल दिया, आपको भी इसमें 1 कैप्सूल पूरा डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपको। और जब आप इसे मिक्स करेंगे बिल्कुल ये क्रीम फॉर्म में आ जाएगा। देखिए देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको, ये आई बॉल्स के लिए
ब्लैक आई के लिए बहुत अच्छी क्रीम है। देखिए ये है ना बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में, बस आपको इसे कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में स्टोर करके आपको रख लेना। आप इसे 15 दिन के लिए तो आराम से बना सकते हैं, यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये विटामिन ई का कैप्सूल जो आपने डाला है वो इसे ख़राब होने से बचाता है, इसीलिए आप इसे आराम से इसे आप रख सकते हैं। और जब भी आपको यूज करना है तो देखो, देखिए आपको कैसे इसे लगाना है, कुछ नहीं करना है, जैसे कि आप कोई भी मेकअप करें या कुछ भी करें उससे पहले आपको इसको यूज करना है, नाइट में सोने से पहले यूज करना है। इसके बाद अपना कोई भी आप नाइट क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपको इसको अप्लाई करना है। जैसे कि मेरा तो है नहीं, लेकिन मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, पूरा आँखों पे, ऊपर सब, हर तरफ आपको इसको लगाना है, जहाँ जहाँ आपको कालापन है वहाँ वहाँ आपको इसको लगाना है। अगर आपको यहाँ कालापन है आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ भी आपको झुर्रियाँ है, अगर आपको हाथों पे झुर्रियाँ है तो आप इसको अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको झुर्रियों का प्रॉब्लम, आई बॉल्स का प्रॉब्लम, ब्लैक आई का प्रॉब्लम, आँखों का सूजन, जो आसपास फूला फूला सूजन ऐसा हो जाता है, ये हर तरह का प्रॉब्लम को ठीक करेगा। ये बिल्कुल एक क्रीम के तरह हो गया, देखिए बिल्कुल एक क्रीम के तरह है ये, कोई भी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ सिर्फ इसका बेनिफिट है। आप इसको बना के आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सबके साथ शेयर भी ज़रूर करें।